विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बेलघाट थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के खिलाफ प्रेक्षकों के साथ ड्रोन कैमरे से अभियान चलाया। इस दौरान कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध अभियान चलाकर ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी की गई तथा जनपद गोरखपुर के सीमावर्ती मतदान केंद्रों एवं क्षेत्र का भ्रमण एवं पैदल मार्च किया, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रेक्षकों व बेलघाट पुलिस के साथ दियारा क्षेत्र ग्राम नरगंडांजगा सिंह, नरगडा शिवदत्त सिंह और रापतपुर में अवैध शराब बनाए जाने वाले स्थानों पर दबिश दी गई तथा दो स्थानों पर पुरानी भट्टियां, 50 किलो लहन व करीब 7-8 प्लास्टिक गैलन पतीले निष्प्रयोज्य पाया गया। उसके बाद सीमावर्ती जनपद अंबेडकर नगर व संत कबीर नगर से लगने वाले मतदान केंद्रों ग्राम नरडांजगा सिंह, नरगडा शिवदत्त सिंह, रामपुर गोसाई, बघाड़, धमचिया, कटिया, शाहपुर बेलाव व शाहपुर जिगनिया का निरीक्षण किया गया तथा ग्रामवासियों से वार्ता की गई और उन्हें स्वतंत्र, निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि थाने में पंजीकृत गैंग के गैंग लीडर थाना बेलघाट के हिस्ट्री सीटर नरगडांजगा सिंह निवासी फयानाथ निषाद के घर दबिश दी गई तो वह घर पर नहीं मिला। उस समय उसके घर पर उसकी पत्नी, बेटियां व अन्य महिलाएं मौजूद मिली और बताया गया कि फयानाथ कमहरिया घाट की ओर गए हैं, जिस पर हल्का प्रभारी के द्वारा उपलब्ध मोबाइल नंबर के माध्यम से वार्ता कर कठोर शब्दों से सचेत किया गया कि 25 फरवरी को थाने पे आकर हाजिरी लगाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना क्षेत्र बेलघाट के देवारा वाले गांव में माननीय प्रेक्षकगण, जो व्यय प्रेक्षकगण है, इन्हों लोग गए थे और उनके साथ पुलिस की आबकारी विभाग की टीमें थी, जिसमें संयुक्त टीम द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार ड्रोन से निगरानी की गई कि उस घाघरा नदी के कछार में कहां कहां अवैध शराब का कारोबार चलता है। उस निगरानी में कहीं भी अवैध कारोबार चलता हुआ नहीं पाया गया, लेकिन जो अड्डे थे जिनको पुलिस आज से 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले नष्ट कराई थी, वो सब अड्डे कैमरे की जद में आए। भौतिक रूप से वहां जाकर के सत्यापन किया गया। एक जगह बहुत थोड़ी सी, लगभग 50-60 लीटर लहन मिली। इसके अलावा पुराने सारे अड्डे सूखे पड़े थे, जो लगभग इस बात की गवाही दे रहे थे कि चुनाव को लेकर के जो पुलिस का दबाव बना हुआ है, उसके चलते अवैध कारोबारी फिलहाल इन इलाकों में जहां वो कारोबार करते थे वहां नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रेक्षकगण भी उसमें कई गांव में रहे। उसके बाद आफ्टरनून में वो लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए और उनके जाने के बाद भी उस इलाके के मशहूर हिस्ट्री सीटर फयानाथ के घर दबिश दी गई, वो नहीं मिला। पता चला अम्बेडकर नगर में।
जरिए दूरभाष ये कंफर्म भी हुआ कि वो अम्बेडकर नगर में है। परसों उसको थाने पर हाजिरी लगाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ वहां का एक अवैध शराब का कारोबारी तो लालजी केवट, वो पिछले दिनों एक मामले में वांटेड था, अरेस्ट होकर जेल गया। उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हुई है, जिसका साफ असर उस पूरे कछार में दिखाई दे रहा था। इस तरह के अवैध शराब में कारोबार लिप्त लोगों का मनोबल टूटा हुआ है और पुलिस टीम इसी तरह से आबकारी विभाग से समन्वय स्थापित करके आगे भी कार्यवाही करती रहेगी और पूरी तरह से निष्पक्ष स्वतंत्र वातावरण में सकुशल मतदान संपन्न कराने की हमारी तैयारी है।